गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी थोड़ी कॉमेडी भी। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, तो जल्दी से चलो मैं आपको सुनाती हूँ कहानी। आप जल्दी से ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग कर लो। अच्छा जी, आपने ईयरफोन लगा भी लिया? बहुत तेज हो रहे हो, राइट? तो चलो अब मैं आपको सुनाती हूँ कहानी। इस कहानी का नाम है मैनारी तो वो खिलाड़ी। चलो आप जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लो ताकि ये कहानी आपको और भी रियलिस्टिक लगे और मैं आपको इस कहानी को सुनाती हूँ। दोस्तों ये कहानी राघव की है। राघव कहता है, ये मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तां है जो सच में मेरे साथ लाइफ में ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद मुझे तो कभी कभी लगता है दुनिया में मैं इकलौता एक ऐसा इंसान हूँ जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। अब क्या, तो चलिए बताता हूँ। दोस्तों मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर पर मैं, मम्मी पापा रहते हैं। मेरी एक बड़ी दीदी है जिनका शादी हो गया है, वो अपने ससुराल में रहती है। कुल मिलाकर मैं घर पर अकेला हूँ, कभी कभी बोर पड़ जाता हूँ। तो ऐसे में मेरे घर के बगल में मेरे कुछ मतलब दोस्त ऐसे हो गए जो मेरे से उम्र में बड़े नहीं है, लगभग बड़े ऐसे, तो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पड़ोस में एक भाभी जी रहती हैं, वो अक्सर मेरे साथ बहुत सी बातचीत करती हैं। उनके पति कामकाजी इंसान है और अक्सर घर से बाहर रहते हैं, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घर पर अकेली रहती है। तो मुझे कभी कभी बुला लेती है क्योंकि वो अकेली होती है, तो कभी कभी तो वो मुझसे कुछ काम वगैरह होता है तो करने बोल देती है। लेकिन उनकी जो अदाएँ हैं ना वो काफ़ी निराली हैं, मतलब कि वो हमेशा जब भी मुझसे बातें करती है बहुत हंस हंस के बात करती है, वो थोड़ा खुले विचारों की है। दोस्तों उस दिन से पहले, मतलब इन सब चीज़ों के बावजूद मेरे दिल में उनके लिए ऐसा कुछ भी भावना नहीं था जिससे कि उन्हें बुरा लगे। मैं बहुत ही सिंपल लड़का था और उन्हें बस नॉर्मल नज़रों से देखता था। मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं उसके साथ लाइफ में खुश रहूँगा या फिर जब मेरी शादी होगी। एक दिन की बात है, वो भाभी आई मेरे घर तो अचानक से उसने बोला, अरे राघव जी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कुछ नहीं बस। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा आप कब आई? तो उन्होंने कहा अरे क्या बताऊँ, आप तो मेरे पे ध्यान ही नहीं देते। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने कहा मैं तो कब से आई हूँ लेकिन आप ये सब में ध्यान ही नहीं देते कि मैं कब आई कब नहीं आई। मैंने कहा अच्छा। दोस्तों उनका बोलने का मतलब कुछ अलग था जो मैं अच्छी तरीके से समझ तो रहा था लेकिन उनसे कुछ कह नहीं रहा था। ऐसे ही समय गुजरते गुजरते कुछ दिन और गुजर गए। एक बार उन्होंने मुझे मेरे घर पर कॉल किया, मम्मी को, और मम्मी को कहा थोड़ा राघव को भेज दीजिएगा। मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा जाओ थोड़ा उनके घर, उनको कुछ काम है। क्योंकि उनके पति अक्सर नहीं रहते, कुछ सामान लाना होता तो वो हमें ही बताती, इसलिए मेरी मम्मी ऐसा कही। दोस्तों उस दिन के बाद की बात है, उस दिन तो मैं उनके घर गया तो पता चला कि वो बीमार थी, उनके लिए कुछ दवाई लाना था। मैंने दवाई बोला तो ऐसा ऐसा वो दवाई बोली, मतलब क्या ही बताऊँ, लेडीज़ प्रॉब्लम की उनके दवा चाहिए थी। अब इस बात के बाद मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला और फिर मैं आगे निकल गई। दोस्तों मैं सामान लाकर उन्हें दे दिया। मैं बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था तो मैंने उनसे बात नहीं की। वो बोली अरे अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे बस जाना है, और मैं वहाँ से निकल गया। दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, इतना कि मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसके बाद दोस्तों उस दिन बीत जाने के बाद एक बार की बात है, उस दिन उनके पति हमारे घर आए थे और बोले थे कि आज मेरा बेटा को जाकर राघव को बोलिएगा स्कूल से ला देने। अक्सर मतलब हमारे घर से उनका घर बगल बगल था तो जाना आना लगा रहता, तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। फिर मैं जब भाभी के बेटा को स्कूल से लेकर आया, दरवाज़ा नॉक किया तो भाभी नाइट सूट में थी, मतलब वो जो गाउन होता है लड़कियां पहनती हैं वो पहनी हुई थी, उनके बाल खुले हुए थे। और उसने कहा क्या हुआ, कहाँ खो गए? मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उसने कहा बैठो बैठो आओ।
और दोस्तों पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, वो दूसरे रूम पे चली गई और कुछ देर बाद मुझे बोली कि मेरा फोन ला कर देना। मैं उनका फोन लेने गया तो उनका फोन का लॉक खुला हुआ था। मैंने जैसे ही लॉक खोला, उनके फोन पे एक ऐसी उनकी तस्वीर लगी हुई थी, मैं आपको क्या बताऊँ, ये भाभी की ही तस्वीर थी लेकिन बहुत ही अलग किस्म की, मतलब आप समझ रहे हो ना, मुझे बोलने में भी खराब लग रहा है। तो उस तस्वीर को देखकर जैसे ही भाभी मेरे पास आई, बोले अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या देख रहे हो। दोस्तों मैं बहुत डर गया, मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम भी बड़े हो मैं भी बड़ा हूँ, बड़ी हूँ समझती हूँ, कोई बात नहीं वो सब तो चलता है, ऐसा कहकर वो मेरे पास आ रही थी दोस्तों, और मुझसे बहुत अजीब लग रहा था। मैं वहाँ से चला गया, उसके बाद मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, मैं बार बार उनके पास से हट जाता, मतलब उनका घर भी नहीं जाता। वो अपने बेटे को भी एक दिन भेजी लेकिन मैं फिर भी नहीं गया। उसके बाद की बात है दोस्तों, उसके बाद 4-5 दिन बीत जाने के बाद वो एक दिन मेरे घर पर मम्मी को बोली कि राघव क्यों नहीं आ रहा है। तो मेरी मम्मी ने बोला पता नहीं, तो उसने कहा राघव को भेज दीजिएगा ना, मेरे घर का बल्ब खराब हो गया है। मेरी मम्मी ने आकर मुझे कहा कि एक बार भाभी के घर चला जा, आजकल तो जाता क्यों नहीं है, उन्हें कुछ कुछ दिक्कत हो सकती है, तो एक बार चला जा। मैंने इस पर कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। शाम को मैं उनके घर गया, मुझे थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा था, मतलब कैसे अजीब तरह से फीलिंग आ रही थी। मैं उनका घर गया तो फिर उनसे मिला, वो बोली अरे तुम आ जाए, मैं कितना परेशान थी। मैंने कहा हाँ बताइए। तो उसने कहा देखियो ना लाइट, ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब खराब हो गया है। तो मैंने कहा चेयर ला के दीजिए, मैं बहुत शर्मा रहा था। उसने कहा कि तुम शर्मा क्यों रहे हो बाबू, ये बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं। तो कहा कि चेयर ला कर दी, मैं चेयर पर चलिए। और तभी मतलब दोस्तों वो ऐसे कपड़े पहन के आई थी, मैं बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं मैं खुद एक लड़का हूँ और ऐसे में क्या होता है। मैं कह रहा था वो आप उधर जाके खड़े रहिए ना। तो भाभी बोल रही थी नहीं क्या ही दिक्कत है, मैं यहीं पर रहती हूँ ना, वैसे भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँगी, यहीं पर रहती हूँ, अगर तुम गिर जाओ तो। मैंने कहा मैं नहीं गिरूँगी, लेकिन वो यहीं पर थी। मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था, ये सब चीज़ें मेरे साथ पहली बार हो रही थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था। तभी उन्होंने मतलब मेरा पैर घिसका और मैं गिर गया। दोस्तों जैसे ही मैं गिरा वहाँ पर, भाभी ने मुझे पकड़ा और कमरे पे ले गई। मैं ठीक था, मुझे उतना चोट नहीं आई थी, मैंने कहा छोड़िए छोड़िए, लेकिन फिर भाभी तो बहुत बड़ी खिलाड़ी थी और मैं रहा अनाड़ी, तो उन्होंने मुझे सिखा दिया। दोस्तों मैं ये सब कुछ ऐसा नहीं था कि चाहता था, लेकिन सामने से मैं मतलब मेरे साथ ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं हो रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था, लेकिन फिर सब कुछ अच्छा लगने लगा। और उसके बाद जब भी भैया जी नहीं रहते तो मैं अक्सर भाभी के पास जाया करता, फिर तो आप समझ ही रहे हो, मुझे भी धीरे धीरे समझ में आ गया। तो दोस्तों ये थी मेरी एक रियल लाइफ स्टोरी। तो दोस्तों राघव की कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब बताओ ये थोड़ी कॉमेडी कहानी है ना, और लगी ना आपको बहुत ही पसंददार, तो ज़रा बच के रहिएगा ऐसे लोगों से, सेफ रहिएगा सावधान रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना रे बाबा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।